राजस्थान की नई बस्तियों में जो हम देखते हैं तो चार लोग ऐसे नजर आते हैं जो तंकीद में अच्छे काम कर रहे हैं, और भी लोग हैं, लेकिन हम हमारे हवाले से बात करें तो शाहिद पठान, निसार राही मंसूरी और इशराकुल इस्लाम माहिर ऐसे लोग हैं जो नई बात लेकर आते हैं, नए नुक्ते उठाते हैं और उनके मजामीन तंकीदी मजामीन के लिए जाने जाते हैं। इशराकुल इस्लाम माहिर साहब इकबाल, अनीस, दबीर, जानेसार अख्तर, गोपीचंद नारंग के हवाले से खूब चर्चा में रहे हैं और उनकी पीएचडी के मौजू में भी गोपीचंद नारंग कहीं ना कहीं रहे और अभी ताज़ियती जलसे में भी उन्होंने यही बात कही थी। तो मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूं जनाब डॉक्टर इशराकुल इस्लाम माहिर साहब। बहुत शुक्रिया नवाजिश। सबसे पहले तो राजस्थान उर्दू अकादमी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका फराहम किया के अख्तरुल ईमान के ताल्लुक से आप लोगों से गुफ्तगू कर सकूं। इज़्ज़त नाब वाले जनाब उस्ताद मोहतरम शिनकाफ निज़ाम साहब और सदर जलसा मोहतरम ख्वाजा नसीम अख्तर साहब, पर्चे का उन्वान है अख्तरुल ईमान की एक नज़्म मस्जिद और उर्दू की शेरी रिवायत में बतौर मौजू मस्जिद एक मुताला। वैसे तो अख्तरुल ईमान को मेरा जी और नूरमियम राशिद के साथ नज़्म निगारों की तसलीस का हिस्सा माना जाता है, लेकिन अख्तरुल ईमान ही के ज़माने के आसपास फिराक गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी और अल्लामा इकबाल भी नज़्म निगारों में शुमार किए जाते हैं। लेकिन उनकी नज़मों और अख्तरुल ईमान की नज़मों में क्या रिश्ता हो सकता है, एक दूसरे पर ये किस तरह असरअंदाज होते हैं या नहीं होते हैं, इसकी कोई खबर नहीं मिलती। हालांकि शम्सुर्रहमान फारूकी ने अख्तरुल ईमान की शायरी के बारे में लिखा है, जिसको अभी भाई आदिल रज़ा मंसूरी ने कोट किया कि अख्तरुल ईमान फैज़ अहमद फैज़ को बहुत पसंद करते थे लेकिन नूरमियम राशिद का उनके यहाँ असर ज़्यादा था। मगर फारूकी साहब यह नहीं बताते कि उसी ज़माने के दूसरे नज़्म निगारों के साथ अख्तरुल ईमान की नज़मों का क्या रिश्ता या क्या ताल्लुक़ हो सकता है। अगर सोचा जाए तो जोश मलिहाबादी के साथ अख्तरुल ईमान की बात करना बई दस फहम मालूम होती है, और फिराक गोरखपुरी और अख्तरुल ईमान दोनों माजी से रोशनी लेते हैं। अख्तरुल ईमान इस रोशनी के ज़रिए किसी ना किसी अच्छे या बुरे अंजाम तक पहुंच जाते हैं, जबकि फिराक की दुनिया में अंजाम या मंजिल नहीं है, बस एक मुसलसल सफ़र है। लेकिन अख्तरुल ईमान की नज़म पढ़ते वक्त कहीं कहीं मुझे अल्लामा इकबाल का असर महसूस हुआ। अगर आप वो असर उसलूब या लफ्ज़ियात का ना भी माने तो मौजूआत का तो हो ही सकता है। अख्तरुल ईमान की एक नज़्म है मस्जिद। मस्जिद जो कि इबादत, इबादत खाना, तकद्दस, मजहब और बदले हुए माहौल में दूसरे मजाहिब के मावत कदे का नुमाइंदा भी हो सकती है। ये नज़्म मस्जिद के खंडरात की बोसीदगी का तासुफाना बयान करते हुए अंजाम को पहुँचती है। इस नज़्म पर बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम शायरी से मुतालिक अख्तरुल ईमान के नज़रियात पर नज़र डाल लें। बहुत सी जो बातें शायरी के मुतालिक अख्तरुल ईमान ने कहीं, कल वो इफ्तिताही इजलास में आ चुकी हैं, जिसको खुसूसी तौर से सदारती जलसे में आपने समात फरमाया होगा, सदारती खिताब में आपने समात फरमाया होगा। तो उस पर बात करने से पहले अख्तरुल ईमान के नज़रियात पर नज़र डाल लें कि अख्तरुल ईमान ने अपनी सवाने इस आबाद खराबे में अपनी शायरी के मुतालिक जो कुछ तहरीर किया है, मुझे उनमें से तीन बातें काबिल गौर मालूम हुई। पहली बात, जब पूना से बम्बई आया था तो शायर होने के नाते लोगों ने गानों की फरमाइश की थी, मैंने गाने कभी नहीं लिखे, शायरी सिर्फ शायरी के लिए अलग रखी थी, ऐसी शायरी जो मुझे पसंद हो। इस बात से जाहिर है कि शायरी उनके लिए नहायत ही निजी चीज़ रही और इसमें उन्होंने अपनी पसंद को अपना मयार भी बताया। दूसरी बात, उस वक्त दिल्ली में जो शायरी हो रही थी वो भी मनगढ़ंत और फर्जी मालूम होती थी। बहुत से असातिज़ा थे, नवाब साहिल, पंडित जुस्सी, उस्ताद बेखुद, अमर चंद साहिब, हैदर दहलवी, आगा शायर कदलबाश, काबिल हरियाली वगैरह। इनकी शायरी सुनकर शायरी और ज़िंदगी में कोई रब्त नहीं मालूम होता था, कोई ख्याल अंगेज बात भी नहीं होती थी, इंसानी ज़िंदगी का कोई तजर्बा या तज़िया भी नहीं लगता था। और इस इक्तबास में सबसे अहम बात यह है कि वो शायरी सुनकर शायरी और ज़िंदगी में कोई रब्त नहीं मालूम होता था, यानी अख्तरुल ईमान
शायरी और ज़िंदगी में रब्त के हामी थे। और तीसरी बात ये कि बड़ी शायरी बड़े मौजू पर होती है। इससे पहले कि शायरी के मुतालिक इन तीनों नज़रियात की रोशनी में उनकी नज़्म मस्जिद पर बात करें, क्यों ना उर्दू की शेरी रिवायत में मस्जिद के सफ़र पर एक मुख्तसर नज़र डाल ली जाए। उर्दू शायरी के क्लासिकी दौर में मस्जिद खूब दिखाई देती है। अक्सर व बेशतर मंदिर मस्जिद साथ साथ दिखते हैं। मसलन आतिश का शेर है, मंदिर को खोद डालिए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मकाम है। और अगर किसी शेर में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद का जिक्र होता तो उसमें चहल, छेड़, तंज या तहजीब का पहलू रहता था, जैसा कि आपके मोमिन का शेर है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। अब वो मशहूर ज़माना शेर देखिए जिसके लिए उर्दू माशरे को दाद दीजिए कि शायर का नाम नहीं मालूम है मगर शेर बहुत मकबूल है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। अल्लामा इकबाल ने मस्जिद के जरिए मस्जिद के मेहमानों पर तंज किया था कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो तरक्की पसंदी की मकसदियत से पुर शायरी के दौर में खालिद साहब तशरीफ नहीं रखते हैं। तरक्की पसंदी की मकसदियत से पुर शायरी के दौर में मस्जिद और मंदिर को भी कौमी यकजहती के लिए इस्तेमाल किया गया। तो कभी शेख व ब्रह्मन के साथ देर हरम के नाम पर उन पर लान और तान किया गया। यहाँ पर सभी ले तस्करा एक सवाल जहन में आता है, बल्कि हैरत होती है कि मार्क्स जो खुदा के तसव्वुर से इनकार करते हैं, उसके हाथों पर इतनी बड़ी तादाद में मजहबी मिजाज अदीबों ने कैसे बैत कर ली। और इंतहा यह है कि तरक्की पसंदी के दौर में लेनिन को ज़बरदस्ती खुदा के हुजूर में भी पेश कर दिया गया। खैर, बात तो तरक्की पसंदी में मस्जिद के इस्तेमाल की चल रही थी, तो इस पर एहसान दानिश ने यूँ कहा था कि मस्जिदें बेरूह सजदों की दुकानें बन गईं। अब्दुल हमीद अदम ने जो महसूस किया वो यूँ है कि दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरां को देख कर, मेरी तरह खुदा का भी खाना ख़राब है। खुदा का शुक्र है कि उस वक्त टीवी डिबेट का चलन नहीं था। फिर जदीदियत का दौर आया, साथ ही मुल्क तकसीम हो गया। पूरे अदब में बड़ी तब्दीली वाक़ हुई, शायरी में भी इनकलाब आया। इस इनकलाब से मुतासिर और ज़मानी व मकानी नॉस्टैल्जिया को भुगतने वाले शायर नासिर काज़मी ने कहा कि एक नया दौर जन्म लेता है, एक तहजीब फना होती है। शाद आरफी 1964 तक ये कह के जा चुके थे कि ईंट की खातिर मस्जिद ढा दी, मैंने बात कहाँ पहुँचा दी। अब तक के मुताले और हाफजे के मुताबिक उर्दू शायरी में मस्जिद आखिरी मरतबा मोहम्मद अली की नज़र आती है। मस्जिद शहीद होने का गम तो किया मगर एक रोज़ भी मैं उसमें इबादत ना कर सका। इसके बाद माबाद जदीद दौर आ गया जिसमें निदा फाजली ने बताया कि उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए। और इस तरह आज उर्दू शायरी में मस्जिद अख्तर उल ईमान की नज़्म मस्जिद के अख्ताम पर बताए अंजाम को पहुँचती मालूम होती है। आप कह सकते हैं कि नज़्म की शायरी की बात करते हुए गज़ल के अशार पर बात कर रहे हो। अख्तर उल ईमान गज़ल से बदगुमान ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने अमलन तो गज़ल को छोड़ा लेकिन अकलन गज़ल हमेशा उनकी नज़र में रही, क्योंकि नॉन कमिटमेंट इज़ आल्सो ए कमिटमेंट। उनकी नज़मों में आहन की अहमियत के बावजूद उनमें बहरों का इल्तिज़ाम ये बताता है कि उन्होंने गज़ल की ज़मीन में भले ही शेर न कहे हों, लेकिन गज़ल का मैदान पूरी तरह नहीं छोड़ा। बिलाशुबा अख्तर उल ईमान के आहंग अहम है, लेकिन क्या उन्होंने बहर को पूरी तरह छोड़ दिया था? तो क्या बहर सिर्फ गज़ल ही के लिए मखसूस रह गई है और गज़ल में आहंग होता ही नहीं है? तो क्या गज़ल के जो अशार या शायर पसंद किए जाते हैं वो सिर्फ बहर की वजह से पसंद आते हैं? क्या मीर गालिब, मोमिन फिराक और बानी की वगैरह की गज़लों में आहंग नहीं? एक और बात, नज़मों में जिन लफ्ज़ों के नए इंसिलाक से जो नया आहंग पैदा होता है, उनमें से अक्सर लफ्ज़ों की सनद के लिए हमारी लुगात में जो शेर दर्ज हैं उनमें से ज़्यादातर शेर गज़लों के हैं, यानी गज़लों के दिए हुए मानी ही तो नए आहंग को बनाते हैं। गज़ल नहीं होती तो क्या अख्तर उल ईमान होते? उनकी अख्तर उल ईमान की नज़में जिन बहरों में हैं, उन्हीं बहरों में उर्दू शोरा की गज़लें मौजूद हैं। मस्जिद नज़म की बहर में भी मीर तकी मीर से लेकर अमीर मीराई तक की गज़लें मौजूद हैं। हर बड़े शायर को शमा के दोनों सिरे जलाने होते हैं, यानी उसे मेन स्ट्रीम में भी रहना होता है और सबसे अलग भी दिखना होता है। बहरहाल
गज़ल के शेर मौजू के लिहाज से पेश किए गए ताकि हमारी शेरी रिवायत में मस्जिद ने किस तरह सफ़र किया ये देखा जा सके। आइए अख्तर उलीमान की शुरू में दर्ज तीनों बातों के हवाले से उनकी नज़्म मस्जिद की बात करते हैं। प्रोफेसर कौसर मजहरी ने इसी नज़्म के ताल्लुक से कहा है कि हम अख्तर उलीमान की शायरी को उनके निजी हम अख्तर उलीमान की शायरी को उनके निजी निज़ाम शायरी में रख कर पढ़ सकते हैं। उसलूब मतन की तरह हमारा भी निजी उसलूब किरत हो सकता है। जब आप मस्जिद नज़्म पढ़ते हैं तो नज़्म बताती है कि इस मस्जिद पर असातीर का अक्स है, दास्तान की फ़ज़ा है और शायर की आलिमाना नज़र है। और नज़्म ये भी कहती है कि एक दिन इस वीरान और शिकस्ता मस्जिद का वजूद बाकी नहीं रहेगा। नज़्म का आखिरी बंद देखिए, तेज़ नदी हर एक मौज तला तुम बरदोश, चीख उठती है वहीं दूर से फ़ानी फ़ानी, कल बहा लूँगी तुझे तोड़ के साहिल के क्यूत और फिर गुम्बदो मीनार भी पानी पानी। नज़्म का अख्ताम अख्तर उलीमान को अल्लामा इकबाल से अलग करता है। और आप वरना आप इस नज़्म के ये दो बंद मुलाहजा करके ख़ुद तय करिए कि उनमें अल्लामा इकबाल की गूंज है या नहीं। फ़र्श जारूब कशी क्या है समझता ही नहीं, कल अदम हो गया तस्बीह के दानों का निज़ाम, ताक में शमा के आंसू हैं अभी तक बाकी, अब मुसल्ला है न मिंबर न मौज़िन न इमाम, आ चुके साहिब अफलाक के पैगाम व सलाम, कोह दर अब न सुनेंगे वो सदाए जिब्रील, अब किसी काबे की शायद न पड़ेगी बुनियाद, खो गई दश्त फरामोशी में आवाज़ खलील। अख्तर उलीमान की मस्जिद नज़्म को अल्लामा इकबाल की नज़्म मस्जिद क़िरतबा के फ़ौरन बाद पढ़िए तो नज़्म के अख्ताम और आहंग के इम्तियाज़ के बावजूद दोनों का दर्द एक ही है। मस्जिद क़िरतबा एक मरहूम हकीकत है, अख्तर उलीमान की मस्जिद मादूम होता हुआ मजाज। इकबाल के यहाँ तख़सीस है, अख्तर उलीमान के यहाँ तामीम है। अल्लामा इकबाल एक मस्जिद की नुज़हत कौना और अज़मत पारीना को याद कर रहे हैं, अख्तर उलीमान मस्जिद की वीरानी और बोसीदगी पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और नज़्म के आखिर में अख्तर उलीमान की तख्लीकात के हावी उनसुर वक्त के हाथों मस्जिद के न रहने का साफ इशारा है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लामा इकबाल बबांगे दोहल मिल्लत गजीदा हैं और अख्तर उलीमान ख़ुद को खिलवत कशीदा कहते हैं, यानी दो मुख्तलिफुल मिजाज शख्सियत जो अलग अलग माहौल में तालीम व तरबियत हासिल करती हैं और शायरी पर दोनों के नज़रियात भी कतई जुदा गाना हैं। मतलब ये है कि दो कुतबैन पर वाक़ दो शायर एक ही मौजू पर सोच सकते हैं, तख्लीक कर सकते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। इकबाल के लिए उनका पैगाम इबादत का हुक्म रखता है, शायरी की हैसियत सानवी है। अख्तर उलीमान के लिए शायरी मज़हब है, ज़िंदगी है। और आज की शायरी से तो मस्जिद नदारद है, तो क्या आज के आदमी की ज़िंदगी से मज़हब रुखसत हो चुका है? क्योंकि आज की उर्दू शायरी में मस्जिद मफकूद है। क्या उर्दू शायरी में मस्जिद का वक्त पूरा हो चुका है? यानी अख्तर उलीमान ने नज़्म में तेज़ नदी की ज़बानी जो कुछ कहा था उसका वक्त आ चुका है? और जिस तरह आज के इंसान की ज़िंदगी में सच की कोई मुताबिकत नहीं रह गई है, इसी तरह मज़हब भी बेमानी हो चुका है। नज़्म में नदी वक्त का इस्तियारा है और मस्जिद मज़हब की अलामत है, यानी वक्त के सैले रवा में मज़हब बह गया है। अख्तर उलीमान की शायरी पर जमील जालबी ने फरमाया है कि उनके यहाँ समाजी शऊर का एहसास बहुत शदीद है, जो उनके मिजाज में इतना रच बस गया है कि कारी तो इन एहसासात और जज्बात को महसूस कर लेता है लेकिन खुद शायर को वो नज़र नहीं आते। आखिर में अख्तर उलीमान के इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मेरे हक में अभी कुछ फ़ैसला सादिर न फरमाना, मैं जिस दिन आऊँगा ताज़ा लुगत हमराह लाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।